Today, I share a video about fashion hair dye at home. First of all, we need fashion hair dye, which is L'Oreal Paris Excellence Fashion Hair Dye. So, I share some tips and tricks. Then, we need coconut oil, Vaseline, and almond oil. So, very useful during a hair color. असलम एवरी वन आम जोनीशा फातमा होप यू गई इज़ डूइंग वेरी वेल इनशालाम परफेक्ट यू फाइन शुक्रम दिल्ली हम बैक विद दैन अदर वीडियो लेस गेट स्टार्टड सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़ैशन हेयर ड्राई हम घर पर ईज़िली कैसे कर सकते हैं बहुत ही ईजी मेथड के साथ आपके साथ शेयर करूंगी सो so, ये हेयर ड्राई मैंने कैसे अचीव किया है ईच एंड एवरी थिंग आपके साथ शेयर करूँगी सो so, ये लॉरियल पैलेस का एक्सलेंस क्रीम हेयर ड्राई है सिक्स पॉइंट सेवन इसका शेयर नंबर है इस तरीके से आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो देखें सिक्स पॉइंट सेवन चॉकलेट ब्राउन मरून चॉकलेट कलर है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ये जो बॉक्स पे लड़की की पिक बनी हुई होती है इससे इंप्रेस होकर आपने कभी भी हेयर डाई बाय नहीं करना सो so, आपने जब भी फैशन हेयर डाई बाय करना है इस शेड कार्ड को स्टडी करना है अगर आपके ब्लॉन्ड हेयर कलर हैं तो उस पर ऐसा कलर आएगा और अगर आपके ऐश हैं तो उस पर ऐसा कलर आएगा और अगर आपके ब्लैक हैं देन उस पर ऐसा कलर आएगा जब भी आपने कलर चूज़ करना है इस शेड कार्ड को स्टडी करना है सो so, डाई कलर दो तरह के होते हैं मेटैलिक कलर एंड सिंथेटिक कलर आपने जब भी यूज़ करना है सिंथेटिक कलर यूज़ करना सिंथेटिक कलर वो होते हैं जिसमें डिवेलपर का ऑप्शन मौजूद होता है और मेटैलिक कलर वो होते हैं जैसे एलेविया सैमसोल ब्लैक रोज वगैरह ये आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करने सो so, सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं फर्स्ट इसमें है हेयर डाई क्रीम ट्यूब देन इसमें है डोवेल्पर जो इसको एक्टिवेट करेगा देन है कंडीशनर जो कि आफ्टर हेयर वाश हम यूज़ करेंगे देन इसमें ये शैम्पू का शाशी है एंड ये ग्लव्स हैं और ये एक एक्स्ट्रा नोजल है क्रीम डेवलपर, शैम्पू कंडीशनर एंड ग्लव्स ये देखिए ये जो नोज़ल होती है अगर आप इस ट्यूब में क्रीम को ऐड करके चाहें तो ये ऊपर वाला इसका नोज़ल उतार के भी आप यूज़ कर सकते हो और अगर आप कंफर्टेबल हो बाउल और ब्रिश के साथ हेयर कलर करने में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो ये देखें इस तरीके का कॉम्ब आपने लेना है सबसे पहले आपने अपने बालों को टेंगल फ्री करना है कॉम्ब ऐसा यूज़ करना है ताकि बाल उलझे नहीं देन आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो वेजलिन कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल आपने अपने माथे पे कानों पे और बैक वाली नेक पे इन तीनों में से कोई भी चीज़ अप्लाई कर लेनी है ताकि हेयर कलर से ब्लैक ना हो ये देखिए इतनी सी आपने वेजलिन लेनी है और अपने फॉरवर्ड पर इस तरीके से अप्लाई करना है ये देखें और इससे ये होगा कि हेयर कलर अगर लगेगा भी तो वो दाग नहीं छोड़ेगा आप चाहो तो डिवेलपर के ऊपर वाली भी नोज़ल यूज़ कर सकते हो और एक एक्स्ट्रा नोज़ल इन्होंने दी है ऐसी वाली ये भी यूज़ कर सकते हो आपने इस तरीके से इसको ओपन करना है ये देखें ये सील बंद है और इसके पीछे कैप के पीछे इस तरीके की पिन बनी हुई होती है ये देखें ये कैप है और इसके पीछे इस तरीके की पिन बनी हुई होती है और आपने इसको इस तरीके से घुमाना है और ये इसकी सील ओपन हो जाएगी सो so अगर आपको इजी लगता है तो आप इस तरीके से डेवलपर की बॉटल में क्रीम को ऐड करके अच्छे से शेक करके भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर आपको बाउल में यूज़ करना इजी लगता है तो आप इसमें भी इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो मुझे बाउल में यूज़ करना इजी लगता है मैं पूरी एक ट्यूब इसमें ऐड करूँगी और ये डिवेल्पर इतना है सो so ये भी मैं इसमें पूरा ही ऐड कर दूँगी तो अगर आप डिवेलपर वगैरह के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते कि कहाँ हम सेपरेट ट्यूब ख़रीदें और कहाँ हम सेपरेट डिवेलपर ख़रीदें तो औरल एक्सेलेंस का बेहतरीन बॉक्स है इसमें डिवेल्पर और क्रीम बराबर क्वांटिटी में होते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हो आपने क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे और कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे इसका थोड़ा सा कलर डार्क होगा हम यूज़ करेंगे इन दोनों में से आप कोई भी कॉम यूज़ कर सकते हो बूट का ज़्यादा बेस्ट है आपने वाटर की स्प्रे बॉटल लेनी है और अपने बालों को ट्वेंटी परसेंट वेट करना है सो so अब मैं एक टिप शेयर करूँगी आपने अपने बालों में कलर अप्लाई करने के बाद कंगा या ब्रश कुछ भी यूज़ नहीं करना जस्ट अपनी फिंगर से कॉम्बिंग करनी है हमने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया इसका थोड़ा सा कलर चेंज होते ही हम इसको अप्लाई कर लेंगे देन हम वैजरिंग यूज़ करेंगे देन हम कलर यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे ताकि हमारे हाथ ख़राब ना हों आप चाहो तो ब्रिज से भी कलर अप्लाई कर सकते हो और अगर आप चाहो तो ग्लव्स पहन के अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस मैं इस so, तरीके से अपने हेयर पे कलर अप्लाई करती हूँ सो सबसे पहले आपने अपने बालों के चार सेक्शन बनाने हैं इसको चार हिस्सों में डिवाइड करना है दो फ्रंट के सेक्शन बनाने हैं दो बैक के बनाने हैं अब कलर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने बैक से कलर लगाना स्टार्ट करना है देन आपने लास्ट में फ्रंट पर अप्लाई करना और आप जब कलर अप्लाई करेंगे रूट से एक इंच बालों को छोड़ के देन अप्लाई करेंगे और अगर आपके ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है देन आप अपनी रूट को सबसे पहले टचअप करेंगे देन आप जो बालों की लेंथ है उस पर कलर अप्लाई करेंगे और अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमारे रूट में ज़्यादा लाइट कलर ना आए और लेंथ में ज़्यादा लाइट कलर आए देन आपको डिवेलपर के साथ खेलना होगा क्योंकि फोटी वालीम हमें अपनी लेंथ पे यूज़ करना होगा और थर्टी वालीम हमें अपनी रूट को छोड़ के अप्लाई करना होगा तो हमारे रूट्स में डार्क कलर आएगा देन हमारी लेंथ में लाइट कलर आएगा अगर आपको डिवेल्पर के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगी फोर टाइप के डिवेलपर होते हैं टेन वालीम होता है ट्वेंटी वालीम होता है थर्टी वालीम होता है और फोर्टी वालीम होता है फोर्टी वालियम को हम कभी भी अपनी रूट्स में अप्लाई नहीं करते कट डाउन और ब्लीच से बचने के लिए हम फोटी वॉल्यूम को हेयर कलर की ट्यूब के साथ यूज़ करते हैं जिससे ब्लॉन्ड कलर हमारे हेयर पर आ जाता है तो so, यहाँ मैं आपके साथ मेंशन करूँगी कि किस सूरत में हमें हेयर कलर अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर आपने लेंस वेयर किए हुए हैं देन आप कलर अप्लाई ना करें आँखों में बहुत ज़्यादा छुपता है और अगर आपने अपने बालों में कर्ल किया हुआ है देन भी आप हेयर कलर यूज़ ना करें और अगर आपने आपने अपने बालों में हेयर स्ट्रेट किया हुआ है अपने बालों को हेयर स्ट्रेट किया हुआ है देन भी आप कलर यूज़ ना करें और अगर आपके दो तीन दिन पहले के बाल वॉश किए हुए हैं इससे बालों में ऑयल आ जाता है जा तब भी आप अपने बालों में हेयर कलर अप्लाई ना करें आपने अपने बालों को हेयर डाई करना है किन बातों का ख्याल रखना है वो भी मैं आपके साथ यहाँ मेंशन करती हूँ सबसे पहले आपने अपने हेयर को एक दिन पहले वॉश करना है नेक्स्ट डे आपने हेयर कलर अपने बालों में अप्लाई करना है और नेक्स्ट डे जब आप हेयर कलर अप्लाई करेंगे पहले स्प्रे बॉटल से अपने बालों को ट्वेंटी परसेंट वैट करेंगे यानी कि उनको हल्का सा गीला कर लेंगे देन कॉम से उनको टेंगल फ्री करेंगे अब आपने अपने बालों को चार सेक्शन में डिवाइड करना है दो सेक्शन आपने फ्रंट के बालों को बनाने हैं और दो सेक्शन आपने बैक के बालों को बनाने हैं देन आपने कलर अप्लाई करना शुरू करना है जब भी आपने कलर अप्लाई करना है बैक के बालों पे पहले अप्लाई करना है और फ्रंट के बालों पे लास्ट में अप्लाई करना है कलर अप्लाई करने के बाद आपने शॉपर से अपने बालों को कवर कर लेना अगर आपके पास शॉवर कैप है देन वो यूज़ कर फोर्टी मिनट के बाद आपने अपने बालों को वॉश करना है सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी से बालों को वॉश करना है देन आपने शैम्पू से बालों को वॉश करना है और लास्ट में आप अपने हेयर की लेंथ पे कंडीशनर अप्लाई करेंगे होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यू सुन माई नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट डू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर माई वीडियो टिल देन टेक केयर अल्लाह